सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इनक्यूबेशन पीरियड्स क्या होता है और इसे क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इनक्यूबेशन यानी कि मान लीजिए ये एक होस्ट है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इन्फेक्शन लग चुका है, राइट। तो इस व्यक्ति को जो इन्फेक्शन गया है इसके बॉडी के अंदर, तब से लेकर के पेशेंट को सिम्टम्स जब तक अपीयर नहीं होते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। यानी कि इनक्यूबेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर जाना। जब ये इन्फेक्शन कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी जो शरीर के अंदर जाएगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनक्यूबेशन। और ये अंदर जाने के बाद एक्स या फिर अपने मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब से ये अंदर गया है, जैसे कि आज संडे को ये अंदर गया बॉडी के, और संडे से लेकर के आपका मान लीजिए नेक्स्ट संडे आ गया, यानी कि दूसरा संडे आ गया, तब जाके पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए। तो इस संडे को पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं और पेशेंट को अब पता लगा है कि मुझे हल्का सा कफ कोल्ड हो गया है, या फिर मुझे फीवर आ रहा है, या फिर मुझे कोई अन्य समस्या हो रही है। लेकिन इन्फेक्शन कब गया था शरीर के अंदर? इस वाले संडे को, यानी कि फर्स्ट संडे को, और सेकेंड संडे तक उसको सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये अलग अलग होता है, किसी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का 7 दिन का होता है, किसी दिन का किसी का 15 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि वायरस कितना डेंजरस है, बैक्टीरिया कितना डेंजरस है, और कितने दिनों के अंदर उस पेशेंट्स को सिम्टम्स, यानी कि उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं और उसके साइन हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जब हमें पेशेंट के साइन देखने को मिल जाएं, और जब से इन्फेक्शन शरीर में गया है तब से लेकर के उस इन्फेक्शन के सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस पेशेंट उस कंडीशन को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड हम इसे कहते हैं, ओके। तो इनक्यूबेशन पीरियड आपके समझ में आ गया है कि इनक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इनक्यूबेशन समझ गए होंगे। और इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया वायरसेस कौन सा है और कितने दिनों में ये पेशेंट के अंदर सिम्टम साइन को प्रोड्यूस करेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियोस नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।